क्या हाल चाल है बच्चों। लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनिक की क्लास। हमने पिछली क्लास में गिग्नार्डिज्म किया है रिडक्शन में, और जहां तक मुझे याद आ रहा है गिग्नार्डिज्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए याद है अरे किए हैं भाई। अच्छा चलो थोड़ा सा रिवीजन के साथ चलते हैं। गिग्नार्डिज्म बेस की तरह भी काम करता था और न्यूक्लियोफाइल की भी तरह काम करता था, दोनों तरीके से काम करता था। बताओ वो फर्स्ट रिएक्शन कौन थी जो ग्रेनार्ड सबसे पहले प्रेफर करता है, बताइए कौन सी है वो रिएक्शन, बोलो बोलो। एसिड बेस रिएक्शन, बिल्कुल सही। और एसिड बेस रिएक्शन का फंडा था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से वो एच लेता था और कुछ कार्बन एच भी लेता था, स्पेसिफिक कार्बन एच वो हमने उसमें लिखा हुआ है। अगर हम बात करें सेकेंड रिएक्शन की तो ये थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और लास्ट थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे। जहां तक बात है क्वेश्चन नंबर वन की, तो वन हमने क्लास में कर लिया था। दो रिएक्शन में आंसर था नो रिएक्शन, एक ईथर के केस में, एक टर्शरी अमीन के केस में, और बाकी हर केस में आंसर था मीथेन। बात करें सेकेंड की तो क्लास में हो गया। अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ तो वी आर डिस्कसिंग होमवर्क एक्चुअली, सो हम होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं ग्रिग्नार्डिज्म का थ्योरी कॉपी का। क्लियर? सो एज फॉर एग्जाम्पल थर्ड इज कंसर्न, आपका हर केस में आंसर आएगा एथीन। एक दो तीन चार पांच पार्ट है, पांच पार्ट थर्ड के, पांच पार्ट है, एंड पांचों पार्ट में आंसर आएगा क्या? एथीन। एसिड बेस रिएक्शन होगी हर केस में। अगर मैं सिमिलरली बात करूं क्वेश्चन नंबर फोर की, फोर में भी आप देखें एक दो तीन चार पांच, पांच पार्ट है, छठा पार्ट सॉल्ड है। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ का सिक्स पार्ट है D2O वाला, वो मैंने क्लास में कर लिया था। पहले पांच पार्ट का आंसर मेरे भाई इथेन है, क्योंकि सब में हुआ है एसिड बेस, सब में हुआ है एसिड बेस, इसलिए आंसर क्या है? इथेन। हाँ, इसके साथ साथ में पहला हमने क्लास में कर लिया है, दूसरा हमने क्लास में कर लिया है, थर्ड वाले में NO2 वाला पोर्शन जो है उसमें गिग्नार्ड बन जाएगा, लाइक फिफ्थ हमने क्लास में कर लिया, फिफ्थ क्वेश्चन ने क्लास में कर लिया था। टॉकिंग अबाउट सिक्स, सिक्स को किया सबने, ध्यान से सोचो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप, चार चार चीजें डाली जाएंगी, उसके बाद आंसर पूछा जा रहा है आपसे। चलो सिक्स कर, सिक्स में स्टार्ट कहां से किया? प्रोपीन से। सबसे पहले क्या डाला मेरे भाई? डाइल्यूट H2SO4। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में हमने पढ़ा है इसमें वाटर एडिशन हो जाएगा, मार्कोनिकोफ एडिशन। इसके बाद इस पर PCl5 डाला है, पढ़े हो भाई साहब SN2 रिएक्शन होती थी। इसके बाद मैग्नीशियम डाला है, बना लिया गिग्नार्ड, लो बना लिया गिग्नार्ड मेरे भाई। और इसके बाद हैवी वाटर डाल दिया, हैवी वाटर एसिड बेस, चुरा ले जाएगा क्या? डी, कौन? कार्बन। मेरे भाई आपका आंसर ये, लुक एट क्वेश्चन नंबर सिक्स का फाइनल आंसर, प्रोपेन की चेन में नंबर दो पर डी लगेगा, नंबर दो पर। सारे लोग देखें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, क्योंकि यहां अलग अलग कॉन्सेप्ट आ चुके हैं सारे। केटाइन वाला आ गया, हमने स्टार्ट किया है भाई साहब सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट H2SO4। क्या आपको याद है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेशन करता था, एलिमिनेशन करता था, तो आपका पहला आंसर आ गया एथीन, एथीन। उसके बाद आपका आंसर है HBr, मेरे भाई आपको मिल जाएगा CH3CH2Br। उसके बाद डाला है Mg, मैग्नीशियम, तो आपको एक ग्रिग्नार्ड मिलेगा एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और मेरे भाई जल डालोगे तो ये कार्बन का पार्शियल माइनस ये क्या कर लेगा? एसिड बेस। तो आंसर आएगा CH3
सीएस ये आंसर आ गया. यू नो सेवेंथ क्वेश्चन देख ले बहुत सारे लोग टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर एट. एट क्वेश्चन को सारे लोग ध्यान से देखे. एक कंपाउंड बनाए स्वास्तिक जैसा साइन है, इसमें ओ पर सारे लोग देखिएगा आप कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे तो वाहिया टाइप का डैश टाइप का आंसर देंगे. कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है और बहुत ऑब्वियस है. इट वॉज नॉट लाइक आप परेशान हो अरे क्या हुआ कैसे हुआ. देखिए ध्यान से देखिए हो क्या रहा है इस क्वेश्चन. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर एट. ये अलग पार्ट है. इस पर अब आप गैग्नार डाल रहे हैं सारे लोग देखिए गैग्नार डाल रहे हैं CH3MgX और ये पी मोल डाला है. पी मोल ठीक है पहले पी मोल डाला है और फिर डाला है NH4Cl. नाउ यू हैव वन ऑफ द प्रोडक्ट. यू हैव वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्चुअली दैट इज OH एंड व्हाट इज दैट OH क्लियर एंड OH एवरीवेयर. सो नाउ थिंक अबाउट दिस. आपको लग रहा है ये दो OH वैसे ही है और ये OT और ODOH हो गया. चलिए एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं. ग्रिगनार्ड सबसे पहले कौन सी रिएक्शन करता है दैट इज एसिड बेस. इस कार्बन पर माइनस है पार्शियल माइनस और मैग्नीशियम पर प्लस. तो ये सबसे पहले एसिड बेस करेगा. ये दिख रहा है कि इसने डी और टी को तो हटाया है. इसने डी और टी को हटाया है किसने CH3 ने. तो बाकी प्रोडक्ट्स क्या ही होंगी CH3D और टी को हटाया होगा तो आया होगा CH3T. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ओडी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है OH से और ओटी बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होती है OH से. तो मेरे भाई ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ रहा है तो मानो या ना मानो इसने वीक बॉन्ड भी तोड़ी होगी पहले. तो इनफैक्ट ये OH और ये OH ही ब्रेक किया होगा एसिड बेस से. तो यहां एक गैग्नार्ड लगा होगा यहां O माइनस आया होगा यहां दूसरा गैग्नार्ड लगा होगा यहां O माइनस आया होगा तीसरा यहां लगा होगा यहां O माइनस आया होगा चौथा यहां लगेगा यहां O माइनस आया होगा और चारों माइनस पर सेकेंड स्टेप में NH4Cl ने वापस H डाल दिया. NH4Cl ने वापस H डाल दिया. सो एज फार एज क्वेश्चन इज कंसर्न्ड पी की मिनिमम वैल्यू चार. मिनिमम चार क्योंकि OH का O हटाए बिना तुम OD और OT नहीं हटा सकते. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ये ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने आपको नाइन्थ भी दिया. लुक एट नाइन्थ एट एंड नाइन्थ बहुत आर गुड क्वेश्चन. एट एंड नाइन्थ बहुत आर गुड क्वेश्चन. लुक एट दिस इट इज गिवन टू यू. ये आपको दिया हुआ है. यहां हमने पूछा है कितना ग्रिगनार्ड आया है. तो भैया बुद्धि लगाएंगे बुद्धि. सारे लोग देखिए डोंट थिंक दैट दीज टू OH ये इट्स एक्चुअली इट्स अ फैक्ट कि ये अनचेंज्ड रहे हैं. ये अनचेंज्ड रहे हैं लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि इन्होंने रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया. मेरे भाई आप देखें आपने CH3MgX डाला CH3MgX P मोल इधर ही एक CH3 लगा है. That's fine. लेकिन आप देखो यहां कौन सी कैटेगरी बन रही है. यहां बन रही है फर्स्ट कैटेगरी एसिड बेस. यहां बन रही है सेकेंड कैटेगरी दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. आपको पता है गैग्नार्ड पहले एसिड बेस करता है. उसने पहले यहां एसिड बेस किया फिर यहां एसिड बेस किया तो O- माइनस आ गया क्योंकि H प्लस लेकर भाग जाएगा. फिर थर्ड गैग्नार्ड यहां अटैक कर गया ये आ गया ऊपर माइनस ऊपर माइनस ऊपर माइनस था और NH4Cl ने तीनों जगह क्या दे दिया H. मैंने बताया आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इजी अगेन P मिनिमम इज 3. यहां अटैक तभी हो सकता है जब पहले एसिड बेस हो चुका हो क्योंकि आपको पता है गैग्नार्ड एसिड बेस फास्ट करता है. सो इट वॉज नाइन्थ क्वेश्चन. आप लोग ध्यान से देख लें नाइन्थ क्वेश्चन. भाई आपको बताया गया गैग्नार्ड सबसे पहले एसिड बेस करता फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता और आखिरी में सब्स्टिट्यूशन करता. तो ये तो करेगा ही करेगा. वैसे यहां आप ये मत देखो ये वैसे ही है. इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं हुई है.
ओ ओ ओ से एच हटा, ओ से एच हटा, माइनस माइनस आया, यहां पर एडिशन हुआ, बाद में वापस एच आया। लुकिंग लुक एट क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया कितने गिगनार्ड खाएगा ये। तो 10th के ए में है तीन, तीन ओएच हैं, हर एक ओएच पर एसिड बेस हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट बी पार्ट, बी पार्ट में वो चार खाएगा, चार पार्ट, चार गिगनार्ड खाएगा। कई बार आप लोग ऐसी बुद्धि लगाते हैं कि NH2 में दो एच हैं तो दो ग्रिगनार्ड खाएगा, यू आर रॉन्ग। एक्चुअली ऐसे सोचा करो, ग्रिगनार्ड NH2 से एक एच लेगा तो क्या बनेगा, एक तो एल्केन बन जाएगा, एक NH2 से एक एच निकलेगा तो बनेगा NH माइनस, और एक एच निकलने के बाद N वाला पोर्शन माइनस बन गया है तो दूसरा ग्रिगनार्ड जो कि खुद माइनस या न्यूक्लियोफिलिक है उस पर अटैक नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं चार आंसर। टॉकिंग अबाउट सी पार्ट, सी पार्ट मैंने क्लास में बता दिया था, इट वॉज एक्चुअली फाइव, इट्स एक्चुअली फाइव। आप देख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं कि मैंने कहा था जितने लिविंग ग्रुप है उससे एक ज्यादा, जितने लिविंग ग्रुप है उससे एक ज्यादा, ये मैं मुझे याद आ रहा 100% हमने क्लास में किया है। यहाँ एक लिविंग ग्रुप है, यहाँ दो गिगनार्ड लगेगा, यहाँ जीरो लिविंग ग्रुप है एक गिगनार्ड लगेगा, यहाँ एक लिविंग ग्रुप है दो गिगनार्ड लगेगा। तो आंसर इज फाइव, फाइव, इट्स वेरी इजी। 11th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 11th की, तो मेरे भाई पहले मैग्नीशियम डाल दो और फिर जल डाल दो। सारे लोग देखें, पहले मैग्नीशियम डाल दो फिर जल डाल दो। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 11th कन्वर्जन। मैग्नीशियम डालोगे तो बेंजीन पर गिगनार्ड बन जाएगा और जल डालोगे तो एसिड बेस से बेंजीन आ जाएगी। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट 12th, एमजी डाल दो फिर हैवी वाटर डाल दो, एमजी डाल दो फिर हैवी वाटर डाल दो, एमजी डालो फिर हैवी वाटर डालो। सो ये कुछ होमवर्क डिस्कशन है थ्योरी कॉपी का, मैं इन क्वेश्चंस को हटा देता हूं, इन क्वेश्चंस को हटा रहा हूं। ओके सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ओके 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग मार्क लगा लें 13th पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चलेगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी इजी, चला कह रहा देखो ये कौन सी बात है, एक बार बोलते हैं इंपॉर्टेंट है फिर बोलते हैं इजी है, अरे भैया इनमें कोई रिलेशन थोड़ा होता है, इजी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए ये आर एम जी एस, आर एम जी एस, एंड आई हैव टोल्ड यू भैया ये कौन सी रिएक्शन करेगा, एसिड बेस तो कर नहीं सकता, ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेकेंड रिएक्शन जो मैंने बताई थी आपको। और आप देख सकते हैं यहां कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, यहां कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये आपको एक स्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। कैसा मिलेगा, स्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। याद है मैं कैनियम के टाइम पर मैंने बोला था अगर इनमें कोई एक लिविंग ग्रुप होता तो वो अनस्टेबल होता। फिलहाल अब आप क्या करते हैं, एच दे देते हैं तो ओ को एच मिलेगा। तो क्या मेरे भाई आप ये समझ पाए हैं कि आपने प्राइमरी अल्कोहल बनाया है, ये आर, ये इस कार्बन पर दो एच और ये ओ एच, आर सी एच टू एच। आपको बहुत ऑप्शंस नहीं मिलेंगे ग्रिगनार्ड से वन डिग्री अल्कोहल बनाने के, वन डिग्री अल्कोहल बनाने के बहुत मेथड्स नहीं मिलेंगे। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू कैन ऑब्जर्व ये स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड है, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड। इनफैक्ट अगर आप बाकी एल्डिहाइड की बात करें, लुक एट अदर एट 14th, लुक एट 14th, 14th रिप्रेजेंट्स रेस्ट ऑफ द एल्डिहाइड आर सी एच, एंड इट्स वेरी क्लियर कि एक एच की जगह आर है तो एक एच की जगह आर आ जाएगा, एक एच की जगह क्या आ जाएगा, आर। एंड नो डाउट इट्स अ 2 डिग्री एल्कोहल, सेम मैकेनिज्म, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट पुट
1 R in place of H, you would get 2 degree alcohol. Talking about ketones, so R, I think हमने 15th कर लिया था, 15th को देखो जरा एक बार, नहीं किया था, कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है, दोनों H को R कर लो, अगर दोनों H को R करोगे, so we would get 3 degree alcohol. तो इट्स अ वेरी प्रिसाइज, ऐसे मैच का कॉलम बनाया जा सकता है मेरे भाई, मैच का कॉलम बनाया जा सकता है। वन डिग्री एल्कोहल देने वाला, कार्बोनाइल फिक्स, है। व्हाट इज दिस, इसका नाम तो जानते होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, ये आईपीएससी नेम नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड इज द ओनली कार्बोनाइल, which gives 1 degree alcohol. So even we can mention it in note, theory copy में mention करेंगे ये बात, methanol IUPAC name है इसका, methanol, ये आप लिख सकते हैं formaldehyde, ठीक है, methanol ये आप लिख सकते हैं formaldehyde, दोनों इस उसी के नाम है, is only, aldehyde which gives 1 degree alcohol, ये थ्योरी कॉपी में लिख लेना बड़े बड़े, विद ग्रिगनार्ड रीजन इकलौता एल्कोहल, क्योंकि बाकी एल्डिहाइड रेस्ट ऑल एल्डिहाइड्स 2 डिग्री देते हैं और सारे कीटोन 3 डिग्री देते हैं। तो ये अब देख सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस अब इसी जैसे हैं। 16th हमने क्लास में किया, 16th हमने क्लास में किया था, और 17th में उल्टा करना, 17th में आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, यू हैव टू गिवन 17th में OH फिनाइल एंड मिथाइल एंड इथाइल, क्लियर। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया पॉसिबल कीटोन, 3 डिग्री है, वैसे भी देखो 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इधर कीटोन ही आएगा, कीटोन के केस में बना। तो मेरे भाई कोई भी दो का सेट ले लो, पहले मैंने पीएच और सीएससी ले लिया, तो आप देख सकते हैं पीएच और सीएससी का कीटोन होगा और इथाइल वाले का ग्रिगनार्ड होगा, बट नाउ यू कैन चेंज योर डिसीजन, पीएच के साथ इथाइल ले लो, सो आई थिंक पीएच इथाइल, और अब सीएससी के साथ क्या होगा, ये भी एक पेयर बन सकता है, इवन आप मिथाइल और इथाइल ले सकते हैं, तो मैं लाइन फॉर्मूले में बनाऊंगा, आई होप आप समझ जाएंगे, और फिनाइल के साथ ग्रिगनार्ड हो सकता है। सो दीज आर 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर क्वेश्चन नंबर 17। 18 में भी सेम काम करना है, आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने, बट लुक एट केयरफुली, प्रोडक्ट इज एट 2 डिग्री अल्कोहल, दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो, पहले दिख रहा है क्या, प्रोडक्ट इज एट 2 डिग्री अल्कोहल, सो डेफिनेटली आपका एल्डिहाइड बनेगा इधर, तो एक बार इसका एल्डिहाइड बना लो, लुक एट दिस, तो इसका ग्रिगनार्ड आ जाएगा, यहां पर एच भी तो है दोस्त, इसे ले लो एक बार, इसे ले लो, तो क्या आ जाएगा यहां पर सी एच थ्री एम जी एक्स, दूसरे बार सी एच थ्री वाला ले लो CH3, COH, इस बार तीन की रिंग वाला ग्रिगनार्ड ले लो, आई थिंक इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। तो ये 18th के दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, टू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर 18th। अब देखो 19th, 20th, 21, 22, सब में दो दो लीविंग ग्रुप, स्टार्टिंग फ्रॉम 19th से लेकर 23 तक, मैं बता रहा हूं 19 से लेकर 23 तक, क्या आप देख रहे हैं कि सब में दो लीविंग ग्रुप, तो एक बार एडिशन लात पड़ी, फिर एडिशन लात पड़ी और थर्ड मोल ऐड हो जाएगा, तो मेरे भाई तीन ग्रिगनार्ड खाएंगे, सारे तीन ग्रिगनार्ड खाएंगे, और सबका आंसर 3 डिग्री अल्कोहल, सेम 3 डिग्री अल्कोहल। मैंने भाई बस मैं कुछ एडिशनल चीज ऐड करूंगा, 21 में
21 में हमारा लिविंग ग्रुप है सीएल और ओआर। आप यहां पर बिल्कुल ये सोच सकते हैं पहले किसे लात पड़ी होगी, ऑब्वियसली सीएल को पहले लात पड़ी होगी, उसके बाद ओआर को पड़ी होगी। तो इस एल्कोहल के साथ ओआर लात खा के जो निकलेगा उसका भी एक एल्कोहल होगा। 22 में भी ऐसे दो एल्कोहल होंगे जो लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकले होंगे। ये वाला एल्कोहल तो सबका सेम होगा। 23 में लात खा के जो निकला होगा वो एथिलीन ग्लाइकॉल होगा, वो एथिलीन ग्लाइकॉल होगा। बेटा अटेम्प्ट नहीं किया है तो कुछ नहीं बनेगा, अटेम्प्ट नहीं किया तो कुछ नहीं बनेगा। एंड टॉकिंग अबाउट सेम विथ 24, सेम विथ 24 लात खा के आर डैस ओएच आया होगा क्योंकि वहां ओ आर डैस लिविंग होगा। सो दीज क्वेश्चंस आर ऑफ गगनार्ड, होमवर्क में मैंने आपको दिए थे। तो 24 क्वेश्चंस आपके हो चुके, 25 क्वेश्चन भी सेम। 25 में 3 डिग्री एल्कोहल सबका सेम आ रहा, 3 डिग्री एल्कोहल सबका सेम आ रहा। हाँ, लात खा के अलग अलग चीजें आ रही, लात खा के जो लीविंग ग्रुप निकल रहे हैं तो सीएल बी आर के केस में लिखने का लॉजिक नहीं है, बिकॉज इन केस ऑफ सीएल एंड बी आर एज ए लीविंग ग्रुप वो जो निकलेगा वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं होगा। एस सी एल या सी एल टू या एम जी सी एल टू या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं होगा, तो हम उसकी बात नहीं कर, हम वहां लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहां लिविंग ग्रुप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। नाउ टॉकिंग अबाउट 26 विच इज ए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, 26 महा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। सो फॉर 26 में ये हटाऊंगा बोर्ड, बोर्ड क्लियर करूंगा फॉर 26। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, मैं 26 के लिए बोर्ड क्लियर कर रहा हूं, हटा रहा हूं मैं इसे। वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी टॉपिक। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 26 अगेन। रिक्वेस्ट है सबसे कि इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें। CO2 एंड गैगनार्ड के रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट। सो रिएक्शन इज गिवन टू यू RMgX प्लस CO2, ओके, RMgX प्लस CO2 एंड H प्लस इज गिवन। नाउ लुक एट इट्स मैकेनिज्म एंड इजी है यार, बहुत आसान है। आप RMgX लिखते हो तो अब तक तो आदत पड़ गई होगी आपकी, यहां पार्शियल माइनस यहां पार्शियल प्लस लिखने, ठीक है। प्लस CO2 कैसे होता है, CO2 ऐसे होता है, देखिए होता है ना CO2 ऐसे, और मेरे भाई ये ऐसे हो जाएगा। कार्बोनाइल देखो एसिड बेस करेगा नहीं इसके साथ, ये है डबल बॉन्ड हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। मेरे भाई जब R C से जुड़ेगा तो C पर एक डबल बॉन्ड है, आप उसे नीचे लिखो ऊपर लिखो जहां मन है वहां लिखो, ये डबल था ये सिंगल हो गया। मेरे भाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, MgX प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, ये बना आपका। अब देखने वाली बात ये है कि ये लीस्ट रिएक्टिव है गैगनार्ड के लिए। आपको याद है गैगनार्ड के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सेकंड चॉइस सेकंड केस में हमने नोट में दो ऑर्डर लिखे थे, उस ऑर्डर में सबसे लास्ट में। खैर इतना दिमाग लगाने की जगह इतना दिमाग यहीं लगा लो, गैगनार्ड को दोबारा अटैक करने के लिए इस प्लस को चाहिए, तो ये इस प्लस पर अटैक करेगा। बट एज ऑल यू नो ये माइनस इस प्लस को क्या कर रहा है, खत्म। ये माइनस क्या कर रहा है इस प्लस को, खत्म। इसलिए मेरे भाई आगे नहीं होती रिएक्शन गैगनार्ड से। सो वी जस्ट पुट एच प्लस एंड महा इंपॉर्टेंट आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड, यू जस्ट गेट इट कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब आप अगर थोड़ी बुद्धि लगाते हो, इतनी थोड़ी बुद्धि लगाते हो, सो लुक एट 27 RMgS, मैंने ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर दिया, क्या देख रहे हैं ऑक्सीजन की जगह सल्फर, तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म होगी मेरे भाई। ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज सेम लाइक 26 एंड 27। सल्फर इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ लुक एट 28 RMgX प्लस व्हाट, SO2। दिस टाइम वी रिप्लेस कार्बन बाय सल्फर। सो इस रिएक्शन में अगर मैं कार्बन की जगह सल्फर लगा दूं, आप मैकेनिज्म कर लेना ना दोस्त, कौन मना कर रहा है आपको,
just get it answer of 28. Say yes, 29. क्या है बस बताओ, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगाना है सल्फर पर या नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगाना है सल्फर पर या नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगाना है सल्फर पर या नहीं, बोलते नहीं हो तुम लोग यार। तो मैंने भाई एक पहले लगा था, एक मैंने और लगा दिया, देखो ये तो ये पोर्शन हो गया, एक और लगा दिया सल्फोनिक एसिड जो आंसर। लुक एट थर्टीएथ एंड इस पर आप सोचिएगा थोड़ा सा, मैं एक हिंट देता हूं आपको। आर एम जी एक्स को अगर आप करें, आर एम जी एक्स प्लस ओ टू, ठीक है। सो मेरे भाई इस रिएक्शन के दो आंसर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, इस रिएक्शन के दो आंसर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आप कहोगे दिलीप रिएक्शन आंसर तो बहुत नाइंसाफी, अरे कोई नाइंसाफी नहीं, बता पा मेरे भाई क्या है इसमें, रिएक्शन कैसे होगी। ये पार्शियल माइनस ये प्लस लिखने की तो आदत पड़ चुकी है तुम्हें, एसिड बेस करेगा नहीं, रखता है पाई बॉन्ड। तो मेरे भाई पाई बॉन्ड पोलराइज होगी और इस तरीके से अटैक होगा। सो जस्ट लुक एट ये ऊपर वाला, थोड़ा मैं और ऊपर ले देता हूं, एस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, क्लियर। नाउ लुक एट दिस रिएक्शन, ये हो जाएगा आर ओ ओ माइनस MgH plus. Look at carefully. सारे लोग मेरे भाई अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई है तो H plus जाएगा और आपको मिलेगा हाइड्रोपरॉक्साइड। हाइड्रोपरॉक्साइड एक तरफ हाइड्रोजन है, सो परॉक्साइड है ये कंपाउंड, ये आपका आंसर। लेकिन इफ इट इज मेंशन कि गेगनार्ड रिजेंट is in excess, Grignard reagent अगर excess में होता है, अगर excess में होता है, तो मेरे भाई ये तो बनता है ROO minus MgX plus, clear। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, Grignard excess में होने की वजह से इस compound पे Grignard वापस attack कर देता है। कैसे attack करता वो भी सोचिए। Just think about, ये क्या है O माइनस और OR क्या है, OR के पास लीडिंग टेंडेंसी होती है इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के लिए, तो ये O माइनस इसे लात मार के भगाएगा। सोचो अगर ये OR माइनस गया तो अपने साथ ले जाएगा MgX, तो आएगा RO माइनस MgX प्लस। इधर ये R इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। अब आपके भेजे में एक डाउट आएगा बहुत तगड़ा, वो ये सर इसको ऊपर तो माइनस है सर, इस पे गिरनाड कैसे अटैक करा रहा है। गलत बात सुनना, जब ओ माइनस इसे भगाएगा तो उस ओ पर इसके जाने की वजह से एक डेफिशिएंसी आएगा जो इसके नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को मिनिमाइज कर देगा या खत्म कर देगा। सो बाय दिस काइंड ऑफ इंट्रैक्शन आपको मिलता है 2 मोल आर ओ माइनस एम जी एक्स प्लस, which by protonation gives you 2 moles of alcohol. So it's a reaction of O2 with Grignard. Similarly 31 के लिए आप सोच सकते हैं। अच्छा देखना आप लोग पता है ज्यादा बुद्धि लगा लेते हो, नहीं तो कितने आसान क्वेश्चन है। सुनना, लुक एट दिस क्वेश्चन। एक बच्चा आया कह रहा है सर आपने जो पढ़ाया था वो तो यहाँ लगा ही नहीं। मैंने कहा कैसे, कह रहा सल्फर ना एसिड बेस कर रहा, उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर एच नहीं। मैंने कहा ठीक, कह रहा पाई बॉन्ड नहीं। मैंने कहा ठीक, कह रहा कोई लीविंग ग्रुप नहीं। मैंने कहा ठीक, कह रहा फिर क्या करें। मैंने उससे पूछा तो गिग्नार्ड करता क्या है, कह रहा रिडक्शन। मैंने कहा रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, कह रहा देता है। मैंने कहा तो ये भी इसे भी दे देगा, काहे की टेंशन ले रहा। बच्चे ने कहा दे तो देगा लेकिन सल्फर लेगा किधर, अरे डी खाली उसका, सल्फर का डी खाली क्या आप बताओ आर एस माइनस MgX प्लस बनाया है। R माइनस अगर न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देगा तो RS के बीच में बॉन्ड तो बनेगी बट S पर माइनस आएगा, और MgX प्लस यही मौका देखता है कि इधर आया माइनस में उधर जाके लग लूं। और एंड मेरे भाई इस पर जब आप H प्लस दोगे यू वुड गेट एथायोल। RSH इज योर आंसर, RSH इज योर आंसर। ओके नाउ लुक एट 32 क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद आ रहा है
32 क्वेश्चन ने क्लास में किया था एंड इट वॉज महा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था साइनाइड। मेरे भाई CO2 एंड साइनाइड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉकिंग अबाउट 33, नथिंग स्पेशल विद दिस, सीधा मैं आंसर लिखूंगा। कीटोन बनेगा वो भी कौन सा, एसिटोफिनोन। इस कंपाउंड का नाम है, बहुत पॉपुलर कंपाउंड होता है एसिटोफिनोन, एक तरफ मिथाइल एक तरफ फिनाइल, दिस इज एसिटोफिनोन। स्पेलिंग लिखो एसिट, ए सी ई टी ओ पी एच ई एन ओ एन ई, एसिटोफिनोन। टॉकिंग अबाउट 34, अच्छा आप एक बात समझो, थोड़ा सा स्टीरियो की बात करेंगे। 34 में कीटोन दिया है, कीटोन इज प्लेनर, ऑल वी नो दैट कीटोन इज प्लेनर, तो इस पे गैंगनाइड अटैक करेगा टॉप एंड बॉटम, तो मेरे भाई इसका आंसर आएगा रेसमिक मिक्सचर। फिनाइल अप से भी आएगा और डाउन से भी आएगा, तो इट वुड बी अ रेसमिक मिक्सचर, सो ये क्लियर होना चाहिए आपको। ओके एंड सेम फंडा में जानना चाह रहा था आपसे 35 में, क्या बुद्धि लगाए, 35 में रेसमिक तो नहीं आएगा बट आंसर दो आएंगे, बिकॉज वन ऑफ द सेंटर विच इज डैश वो आपका क्या रहेगा, वो तो फिक्स रहेगा, और यहां एक बार आपका फिनाइल अप मिथाइल डाउन एंड वंस मिथाइल अप फिनाइल डाउन, सो डैश ट्यूमर्स, देयर विल बी डैश ट्यूमर्स। ये क्या होंगे भाई, डैश ट्यूमर्स होंगे, क्योंकि एक सेंटर ऑलरेडी फिक्स है, तो इट्स अ वेरी इजी कैटेगरी, सिंपल कैटेगरी, बहुत आराम से कर सकते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि हमने एसिड बेस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बहुत सेगमेंट्स में इंक्लूड कर लिए हैं। मैं आगे चलूंगा, कुछ और क्वेश्चंस दूंगा और गैंगनाइड आज हम खत्म कर लेंगे, मैं इसे हटा दूंगा, इसे हटा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखना, भूलना मत। सो 35 वॉज द लास्ट नंबर ऑफ एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट From 36, okay? ठीक है, आइए 36 करते हैं। सारे लोग देखिएगा, 36 में आप ले सकते हैं एग्जांपल RMgS प्लस, ये आया CH3Cl। नाउ आइडेंटिफाई कौन सी कैटेगरी, इट्स नॉट ए एसिड बेस, इट्स नॉट ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इट्स द लास्ट कैटेगरी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट्स ग्रिगनार्ड और ये CH3Cl। कर लेंगे, बहुत आसान है यार, बहुत ही ज्यादा आसान है। यहां मैंने आपको दिया CH3 CH2Cl सेम रिएक्शन 38। हाँ अगर मैंने, ये तो आप पढ़कर आए हो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोस्त, सब्स्टिट्यूशन तो चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, किससे ध्यान से, तो यू विल फाइंड कि 38 का आंसर नो रिएक्शन है।